हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम आपके सामने आए हैं न्यू वीडियो लेके। आज हम आपको शोल्डर के वर्कआउट के बारे में बताएंगे। जिन भाइयों के शोल्डर कम है, चौड़े नहीं होते, चेस्ट जिनकी वजह से आप ब्रॉड नहीं महसूस करते, भीड़े भीड़े नजर आते हो, तो आज हम आपको शोल्डर के वर्कआउट के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन सी शोल्डर की वर्कआउट करना चाहिए और आप जो मिस्टेक करते हैं उनके बारे में बताएंगे। चलो अब हम वर्कआउट की तरफ चलते हैं। अब हमारी शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज है साइड डंबल लैटरल रेज। पर इससे पहले आपको वार्म अप जरूर करना है, आप वार्म अप जरूर कर लिया करो। चलो भाई, वेट अपनी कैपेसिटी अनुसार हम 5 किलो के डंबल उठाएंगे। ये देखो साइड लैटरल रेज। चलो वेरी गुड। ये देखो आपको इस प्रकार करने हैं, ये ओके पोजीशन है। अब आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, ये देखो मिस्टेक में आप क्या करते हो, ये कोनी। अब ये तो ठीक है, मिस्टेक में है ये चीज, सीधे मिस्टेक ये करते हो आप, इन चीजों को ऐसे उठाते हो आप, इन चीजों को साइड लैटरल रेज का मतलब ये है कि आपके डेल्ट्स, ये देखो आपके डेल्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आपको इसी प्रकार 15 से 12 रैप लगाने हैं, 4 सेट करने हैं आपको, ठीक है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे अपना। अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है शोल्डर डंबल प्रेस सिटिंग। ये देखो आप इसी प्रकार जो एडजस्टेबल बैंड है उसको इस प्रकार लगा लेना। तो हमारे चलो अब उठाओ डंबल, ये देखो आपको ये आपकी एल्बो आगे, ये आपकी राइट पोजीशन है। गलत क्या करते हैं, एल्बो को पीछे की तरफ ले जाते हैं, ये भी गलत है और ये गलत है, रोंग है। अब आपको एल्बो आगे की तरफ रखनी है, ये डंबल पीछे, ये देखो आपके फ्रंट शोल्डर एक्टिवेट हो रहे हैं इसमें, ये देखो। आपको इसी प्रकार स्लो स्लो 15 से 12 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, अपराइट रो। ये देखो किस प्रकार करनी है, इसमें ये देखो आपकी एल्बो बार, ये रिस्ट बैंड और ये, वेरी गुड। ये राइट है ये। अब रोम क्या करते हैं, पीछे को ये देखो, ये रोंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई मसल्स एक्टिव नहीं हो रही। आपको इस प्रकार नहीं करनी किस प्रकार है, ये देखो वेरी गुड। ये आपको ये है जो आपकी एल्बो, ये आपके जो रिस्ट है ये नीचे की तरफ रहेंगे, आपकी एल्बो ऊपर रहेगी। आपको इसके भी 15 से 12 4 सेट लगाने हैं। अब हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है फ्रंट डंबल रेस। ये देखो गलत पोजीशन है, ये ऐसे नहीं करते हम, देखो ठीक किस प्रकार, चलो चलो हल्की सी एल्बो बैंड, ये स्लो, ये वेरी गुड। ये आपको ये 12-12 के 4 सेट लगाने हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ये देखो किस प्रकार, ये हमारे पूरे डेल्ट्स ये देखो एक्टिव हो रहे हैं पूरे। इस चीज का ध्यान रखा करो, बॉडी माइंड कनेक्शन, मसल्स के साथ माइंड लगाया करो, जब भी आपका फायदा होगा। ऐसे कोई फायदा नहीं है कि स्पीड पकड़ लेते हो कि बस एक्सरसाइज पूरी करनी है, ये कोई फायदा नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है रिवर्स बैक डेड फ्लाई। ये देखो बैक डेड्स के लिए है, चलो ये किस प्रकार करनी है, देखो ये देखो हमारे डेल्ट्स किस प्रकार काम कर रहे हैं, ये। अब गलत किस प्रकार करते हैं, एल्बो को सीधा कर लेते हैं, ये चलो ये गलत है, रोंग। हल्की एल्बो सी बैंड रहनी चाहिए, नहीं तो आपके एल्बो में इंजरी हो सकती है। ये इसमें आपको लाइट वेट रखना है और मसल्स एक्टिव करनी है 15-15 के 4 सेट। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज है, अब हमारी लास्ट और सिक्स एक्सरसाइज है शोल्डर की डंबल सरक्स। ये देखो किस प्रकार करनी है, ये ट्रैप्स के लिए है, ट्रैप्स ये देखो, चलो ये
ये आपकी राइट पोजीशन है। रोंग क्या करते हैं इसमें, एल्बो बैंड कर लेते हैं डंबल को एल्बो से, ये एल्बो बैंड, ये गलत है, आप इसको ठीक करो। ये देखो इस प्रकार, चलो ओनली ट्रेस्ट पे वर्कआउट होना चाहिए आपका। आप ये देखा करो कौन सी मसल्स का वर्कआउट कर रहे हो, आप उस पे फोकस करो, जब भी कुछ आपको रिजल्ट आएंगे। आपने इसी प्रकार 15-15 के 4 सेट लगाने हैं जो ये डंबल सर्कस के। अब मैंने आपको 6 एक्सरसाइज बताई है। सबसे पहले थी हमारी साइड लैटरल रेज, फिर उसके बाद थी सिटिंग डंबल प्रेस, फिर थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी अपराइट रो, फोर्थ एक्सरसाइज थी हमारी फ्रंट डंबल रेज, 5 एक्सरसाइज थी रिवर्स पैक डक फ्लाई, अब हमारी लास्ट और 6 एक्सरसाइज थी डंबल सर्कस। आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी न्यू वीडियो लाएंगे आपके नोटिफिकेशन पर आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।